सबर के बैठे रहियो मेरे भैया ढोला के सुन भैया ढोला रे अरे हम तो तुम सुनवाए Thank you.
और ये हमारे भैया मानसी ग्राम मैबली के रहने वाले 10 रुपया हमारे लिए इतना भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सगरी फौजे में तैयार कर दें और किशोर लाल और ढोल कुमार डेरो में नहीं है क्या? किशोर लाल और ढोल कुमार डेरो में नहीं है, ये क्या कह रहे हो भैया? हकीकत बात है बेटा, किशोर लाल और ढोल कुमार डेरो में नहीं है, नहीं है। प्यारे मेहरबानो, राजा नल जब ये सुनता है कि किशोर लाल और ढोल कुमार डेरो में नहीं है, एकदम पछाड़ खा के गिर जाता है और कहने लगा, नहीं स्वामी, नहीं बेटा। केदारी चाचा जी तुम्हारे, हाँ हमारे क्या है, हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं चाचा जी हैं, चाचा जी सही बात है। ये 50 रुपए मंदिर के लिए दे रहे हैं, तुम्हें कसम दे रहे हैं हमें उधर देंगे जरूरत पड़ेगी तो। ये 50 रुपए मंदिर के लिए दे रहे हैं, पार्टी बाबा धन्यवाद करती है। जुग जुग जीवो भैया तुम दुनिया चले। हेलो, देखिए बोई जाने पहचाने, तुमने लौट लगाई। इसी बात पर हमारे चाचा जी ने 10-20 रुपए बहुत बढ़िया काम करो, पूरी पार्टी के लिए दाएं। अच्छा, पार्टी बाबा धन्यवाद करती है। और मेरा कहना है चाचा जी, एक बात पर गौर देंगे, अरे कपटी कुटिल रे नीच कुल द्रोही, हे रे चाहत सजा रे और यहाँ। और देखिए सरजन मनुष्य रे क्षमा दरसावे, ओछे पर तरे सदा उतता, अरे कितनो है जाए पैरों पत्थर सुधे सामने देखो। हाँ भाई साहब, सामने मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई इंसान बारू में कंडों के लिए भिन्ना है। चलो इनसे ही पूछिए, चलिए चलिए तू आगे
अरे पतो बताए दे भैया जेवर न लखो मेरे भैया तेरी पलकी न गई नाए प्यार तू चले जल भगत जी राम राम इनसे ही पूछे ना भाई कहो काकत फिर रहे हो काकत फिर रहे हो भैया हमारे कंडा बीन को काम है हम हैं प्रजापट प्रजापट नहीं कहते हैं प्रजापट प्रजापति प्रजापति गलत लेकर गई प्रजापट भैया तुम कहां घूम रहे हो हम तो अपने कंडा बीन ने कंडा बीन के अपना आवा लगाते हैं बासल पका करके अपने बच्चों का गुजर करते हैं तुम भैया कैसे उदास घूम रहे हो हम इस समय बहुत परेशानी में हैं क्या परेशानी है हमें इतनी परेशानी है नहीं तो हमें खाना अच्छा लग रहा है नहीं पानी अच्छा लग रहा है और हम जिंदगी से भी परेशान हैं क्यों क्यों ऐसी क्या परेशानी इसलिए परेशान है सुनो बोलो लायो बरात अरे धामु नर वरत आयो देश कमरू के नर व्याल चोरी है गई सुनवर पैया पर लो अरे पर ललको दैयो पतो बताए अरे पता गहरी वो पे पर गई प्रजापति मोए दैयो पतो बता ले अरे सुनो बरन को तो आप बरात लेकर के आए थे हाँ आपके जन्माष्टमी से पर्णों की चोरी हो गई बिल्कुल हाँ भैया है गई होगी कहा बतुआ कौन लेगा भैया हम तो बताएंगे ना क्यों बता दे तो कि दोनों जादू बननी है मेरा अबा नहीं पकने देगी बच्चा मेरे भूखे मर गए हाँ हाँ तो बताई दी वो अपने बाल के देखो भूख मार ली प्रजापति हाँ साहब अगर आपने हमारे बर्नाव के लिए देखा हो तो हमें बता दीजिए सुनो साहब आप ज्यादा लाचार हो रहे हैं हमने कोई नहीं देखा नहीं देखा है वैसे हम सुबह 4 बजे से कंडा पीने के लिए रोज आते हैं यहाँ पे और शाम के 4 बजे तक कंडा पीनते हैं अच्छा लेकिन तुमने बरना नहीं देखे हमने नहीं देखे अरे भैया मनसुख देखिए ये जो प्रजापति बोल रहे हैं मुझे इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रजापति झूठ बोल रहे हैं भैया इनके लिए बरनाव का पता है लेकिन ये डर रहे हैं जो बरनाव के लिए लेकर के गया है वो इनसे ढींग है इसलिए ये डर रहे हैं डरने के कारण ये बता नहीं रहे हैं एक काम करो भैया सामने आओ यार देखो इनके लिए लोभ दिया जाए तभी बताएंगे हाँ तू डार दो दही खुरा जीवे सरपी पाचय रे नहीं अनिकारे मोर असर भी भैया खुरदी में से अरे प्रजापति को नहीं पकलाए अरे जब तक जियोगे तुम दुनिया में
गरीबी द्वारे पे आए। अरे दशक तनाए गरीबी देगी प्रजापति पर नो दियो बताए। अरे जा तुम दुनिया पांच असर की हमारे लिए निस्मित में दही है। फिर भैया बताओ इनसे किस्म लेंगे, मेरा नाम तो नहीं लेंगे भैया परदेसियों। हाँ कहिए। मैं बता तो तुम्हें लिए बता दूंगा, मगर अगर कोई बात आकर पड़ेगी तो आप मेरा नाम नहीं लोगे। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं लूं? हाँ। पता बता दोगे? बता देंगे भैया। अरे नाम लेने की बात करते हो, मैं तुम्हारी तरफ कोई इशारा तक नहीं करूंगा, मुझे बरनाम का पता बता दो बस। बताओ बताओ कैसे कमरू की जादू कर ली। अच्छा जादू की जोर से वो बरनों को चुरा के ले गई। अच्छा अब अगर आपने मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा? लेकिन मेरी सुनो, आपका अगर नाम ले दिया तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? मेरा बाना है पकले ये रेत की बेटे